संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शत प्रतिशत सफलता के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का माइक्रो प्लान प्रत्येक दशा में 27 सितंबर तक CMO कार्यालय में उपलब्ध करा दें। CDO ने बताया कि अभियान 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। संचारी रोग तथा दिमागी बुखार पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए एक संपूर्ण सोच के साथ सभी संबंधित विभागों के मध्य उचित समन्वय का होना आवश्यक है। सभी संबंधित विभाग कार्यक्रम की शत प्रतिशत सफलता के लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी SK तिवारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा CHC PHC प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, इसकी भी बैठक रखे हुए हैं क्योंकि आजकल सभी अधिकारी काम में व्यस्त हैं, तो ये तीनों टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी महोदय की आगे से हम लोगों ने आज ही रखा है। सर, इसमें हमारे साथ 10 विभाग मिलकर काम करते हैं दस्तक अभियान में, और वो विभाग हैं नगर विकास, पंचायती राज, पशुपालन, बाल विकास, सेवा में पुष्टाहार, शिक्षा विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, कृषि एवं सिंचाई विभाग, सूचना विभाग और मत्स्य विभाग, और हेल्थ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर होता है, नोडल डिपार्टमेंट है दस्तक अभियान का। हम लोग पहले भी सर बहुत दस्तक अभियान यहाँ चला चुके हैं क्योंकि JEE AS क्लोन जिला भी है, मंडल भी है और बगल का मंडल भी है। इस बार ये सभी 76 जिलों में चलेगा। इसमें कुछ खास बातें 2-3 हैं, वो आप सबने पढ़ ली होगी, फिर भी वो 2-3 जो नई चीज़ हुई है हर दस्तक से अलग, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद प्रेजेंटेशन सुदेश्वरी जी देंगी। पहली नई चीज़ ये हुई है कि पहले हम लोग 1 तारीख से 31 तारीख तक संचारी रोग नियंत्रण माह मनाते थे और बीच में 15 तारीख से लेकर 31 तक दस्तक अभियान चलाते। इस बार इसको थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि उधर नवरात्रि वगैरह होगा, आशाएं व्रत रहती हैं, इसलिए अभी शुरू में ही 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दस्तक अभियान रहेगा और बाकी संचारी रोग नियंत्रण माह 1 से 31 तक चलता रहेगा। दूसरा चीज़ ये है, कोविड को देखते हुए हर काम दूरी बना के होगी, मास्क लगा के होगा और दस्तक नहीं देगी, आशा दरवाजे पे खटखटाएगी नहीं बल्कि आवाज़ लगा के बुलाएगी और आवाज़ लगा के बुलाएगी, सारी चीज़ें समझाएगी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, बाहर ही सारी चीज़ उसे बताएगी। अगर हाथ धोने के बारे में बताना है, फीवर के बारे में पूछना है, वो सारी चीज़ें बाहर ही करेगी, घर किसी के घर के अंदर नहीं जाएगी, अन्यथा उसके संक्रमण होने का खतरा रहेगा। अन्यथा वो संक्रमित हो जाएगी, इसलिए वो भी एक चेंज किया गया। तीसरा बड़ा चेंज जो इसमें है, पहले के दस्तक अभियानों में इम्यूनाइजेशन से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं करनी होती, क्योंकि जनवरी से लेकर और 2 मई तक जब हम इम्यूनाइजेशन रोके हुए थे कोविड को लेके, उसमें बहुत सारे बच्चे छूट गए होंगे, तो ऐसे अंदेशा है जो आपके ड्यू लिस्ट में रहे होंगे इम्यूनाइजेशन का 1st, 2nd, 3rd कोई डोज मिस हुआ होगा। इस बार आशा घर घर जाके ये भी नोट करेगी कि किस बच्चे का इम्यूनाइजेशन का क्या छूटा हुआ है और या इस बीच में जो नए पैदा हुए हैं उनको कौन से टीकाकरण दिए गए और कौन से नहीं दिए गए, इसकी लाइन लिस्ट करेगी और वो सब हम लोग अभियान चला के 31 दिसंबर तक पूरा करेंगे ताकि हम एट पार हो जाए। और अन्य विभाग में भी इसी तरह है कुछ चेंजेस, जैसे शिक्षा विभाग बहुत बढ़िया काम करता था, इसमें रैली निकालता था बच्चों के माध्यम से, स्कूलों में हाथ धोने के बारे में बताया जाता था, मच्छरों से बचाव के बारे में बताया जाता था, साफ सफाई के बारे में बताया जाता था, नो बैग डे होता था एक दिन, वो चूँकि स्कूल्स बंद हैं वो सारी चीज़ें इस बार नहीं होंगी, लेकिन अध्यापकों की ट्रेनिंग होगी, अध्यापकों के अगर वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं उसके माध्यम से ये सारी जानकारी बच्चों को दी जाए, कैसे बचाव होता है और गाँव में भी ये चीज़ की जाए। मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, सब विभाग अपने जो भी काम है, जैसे DPRO साहब का है साफ सफाई, नालों की सफाई, झाड़ी काटना, ये सारे कार्य होते रहेंगे,
सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह ख्याल रखना है, मास्क पहन के हर जगह कार्य करना है। तो ये कुछ मोटा मोटा परिवर्तन हुआ है, बाकी डिटेल सिद्धेश्वरी आप प्रेजेंटेशन कर लीजिए। शुरू करते हैं। 15 तारीख को हमारी स्टेट की वोटिंग हो गई थी और आप सभी को पता है कि ये क्षेत्र कार्यकर्ता का अभियान चलाया जाना है और अभी ब्लॉक टास्क फोर्स बैठक फिर उनकी हमको दिए थे जाने वाले मेरा जिसे हार्ड कॉपी में समझ और माइक्रोग्राम भी थे और रोगी को निःशुल्क परिवहन 108-102 के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना, डॉक्टरों को घनत्व का आग्रह रोगों में काम करें वो रिपोर्ट जरूर करें और माइक्रो प्लान हम सभी विभाग जो मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि विलंबतम कल शाम तक हमारे मेल पे, डाक से, जैसे भी चाहें, व्हाट्सएप पे, जैसे चाहें, विलंबतम कल शाम तक भेज दें ताकि हम उसका पूरा कंपाइल करके आगे की कार्रवाई करें। और जिन जिन विभागों को ट्रेनिंग करानी है वो अभी बता दो, अपने आप को ट्रेनिंग अपने ही कराना है और आपके यहाँ ट्रेंड लोग हैं वो ट्रेनिंग भी समाप्त कर लें 2 दिन में। नगर निगम से कॉल सभी विभागों से मेरा अनुरोध ये है कि आपका काम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में है तो अगर इनके पास वो प्लान होगा तो इनका पॉजिटिव पहुँच जाएगा, अगर वहाँ मौजूद मिलते हैं तो बस प्लस में होगा, अगर नहीं मिलते हैं तो नेगेटिव में हो जाएगा। ये जो अभी बैठक हुई है ये हमारी DHS की बैठक है और हमारा पहली तारीख से 31 तक संचारी रोग नियंत्रण का जो अभियान चलेगा और 1 से 15 तक 10 तक का चलेगा, तो उसमें सारे ज़िले के जो हमारे डॉक्टर्स हैं MOICs हैं उनको बुलाया गया था, पूरी टीम जो है मेडिकल डिपार्टमेंट की थी और इसमें उनको जो पूरे निर्देश ट्रेनिंग कैसे कोऑर्डिनेशन करना है ब्लॉक में BDO से SDM से अलग अलग विभाग जिसमें हमारा पशुपालन विभाग भी है, कृषि विभाग भी है, ICDS भी है और स्कूल का विभाग है, सारे विभागों को अपना अपना माइक्रो प्लान सबमिट करने को कहा गया है। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी है जो इसको वेरीफाई करती है उन्होंने भी अपना पूरा जो ब्रीफिंग की है कि किस तरह से यह अभियान चलेगा और किस तरह से हमें पहले से बेहतर करना है।